वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वजीरेक्स के बारे में, और वजीरेक्स को लेके काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे और लोग जानना चाहते हैं, जितने भी वजीरेक्स के यूजर्स हैं, क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है वजीरेक्स का पिछले कुछ दिन के अंदर। दो तीन दिन का भी हम टाइम ले लें तो पिछले दो तीन दिन के अंदर आपको पता है ईडी के जो है एक नोटिस आया, उसके बारे में भी हमने कवर किया। उसके बाद यहाँ पे बाइनेंस और वजीरेक्स के जो सीईओ हैं वो दोनों आपस में, आपको पता है बाइनेंस ने यहाँ पे सीधा सीधा जो है कह दिया है हमने कभी एक्वायर किया ही नहीं है वजीरेक्स को, वजीरेक्स हमारा है ही नहीं, ना ही हमारा वजीरेक्स के ऊपर कोई कंट्रोल है। ये चीज़ बाइनेंस सीजी खुद ट्विटर पे क्लियर कर चुके हैं। लेकिन अगर आप वजीरेक्स के सीईओ के बारे में बात सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे, तो उनके पास, उनका कहना है कि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं कि बाइनेंस का पूरा कंट्रोल था जो क्रिप्टो ट्रांसफर हो रहे थे बाइनेंस और वजीरेक्स के अंदर, जो विड्रॉल्स हो रहे थे, डिपॉजिट हो रहे थे बाइनेंस और वजीरेक्स के साथ, ठीक है, सब चीज़ों पे जो कंट्रोल था वो बाइनेंस का था और उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, ये चीज़ कहना है वजीरेक्स के जो सीईओ हैं उनका। अब ये चीज़ें तो चल रही हैं, आपको पता है ईडी का इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है और वजीरेक्स के ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, बाइनेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, नंबर वन एक्सचेंज है इस टाइम पे और बाइनेंस के ऊपर यहाँ पे कोई एक्शन नहीं चल रहा है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे, अगर वजीरेक्स सही भी है तो वजीरेक्स के ऊपर अभी फिलहाल इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमको दिख रहा है, ये चीज़ टाइम बताएगी वजीरेक्स सही है या नहीं है। लेकिन अभी जो है वजीरेक्स के कुछ नंबर्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, वजीरेक्स अभी इस टाइम पे डाउन चल रहा है, मतलब वजीरेक्स का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे पिछले दो दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरा है। और अगर आप देखेंगे पिछले वन वीक या 14 डेज का भी हम वॉल्यूम ले लें वजीरेक्स का, वो 9 to 10 million dollar था। वन मंथ का भी ले लें, 9 to 10 million dollar के हाई लगा चुका था वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम आ रहा था वजीरेक्स के ऊपर। वहाँ से अब वॉल्यूम गिर के सीधा सीधा 4.9 million dollar पे आ चुका है, तकरीबन आधा वॉल्यूम हो चुका है। और ये पिछले एक दो दिन से ज़्यादा वॉल्यूम गिरा है, इस टाइम पे वॉल्यूम भी डाउन है। लेकिन वजीरेक्स का जो वजीरेक्स टोकन है उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, उसका क्या होगा अगर सिचुएशन वजीरेक्स की ख़राब होती है तो वजीरेक्स के टोकन पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऑलरेडी वो 5 अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा हाई लगा के आया हुआ है, अभी 19-20 rupees पे चल रहा है इंडियन रुपीज़ में वजीरेक्स टोकन, और ये 10 rupees से नीचे की डुबकी भी दिखा सकता है अगर सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती है। और जिस तरह से दिख रहा है वॉल्यूम डाउन हो रहा है वजीरेक्स का, लोग क्रिप्टो को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और क्रिप्टो सेफ है या नहीं है, फंड्स आपके सेफ हैं या नहीं है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपने फंड्स रखे हैं, क्रिप्टो रखे हैं, एक बड़े लेवल पे रखा हुआ आपने वजीरेक्स के ऊपर, तो आप उसको एक सेफ एक्सचेंज के ऊपर रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने क्रिप्टो लिया है, उसको होल्ड कर रहे हैं, तो ये भी आप चाहते होंगे कि टेंशन फ्री रहें हम और हमारे जो क्रिप्टो हैं एक अच्छी सेफ एक्सचेंज के ऊपर सिक्योर पड़े रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वजीरेक्स बंद हो जाएगा, ठीक है, वजीरेक्स यहाँ पे भाग जाएगा, लेकिन जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, अगर वजीरेक्स यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं गलत प्रूव होता है, तो वजीरेक्स का वॉल्यूम तो डाउन हो ही रहा है, उससे यूजर्स भी इम्पेक्ट हो रहे हैं, बाइनेंस और वजीरेक्स के जो ट्रांसफ़र हैं वो भी अब कहीं ना कहीं बंद हो चुके हैं, ठीक है, मतलब थोड़ी सी जो परेशानी है वो वजीरेक्स के यूज़र्स को यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है इस टाइम पे। तो वजीरेक्स के अंदर आपने क्रिप्टो रखे हैं, फंड रखे हैं, तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है, ट्रांसफ़र कर लें। और जब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जब ये इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद क्या कुछ निकल के आता है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी अपडेट हम आपको करते रहेंगे। अभी सिचुएशन वजीरेक्स की अच्छी नहीं चल रही है, वॉल्यूम डाउन चल रहा है, WRX टोकन, वजीरेक्स टोकन पे भी इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, बिल्कुल पड़ सकते हैं। जब एक्सचेंज पे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम नीचे जा रहा है, तो उस पर भी पड़ सकते हैं। और तीन चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ेंगे, एक्सचेंज पर तो पड़ ही रहे हैं, यूज़र्स पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा जो वजीरेक्स के यूज़र्स हैं, और यहाँ पे WRX टोकन का भी इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो भी नीचे की तरफ। ये कुछ चीज़ें चल रही हैं और बाइनेंस और वजीरेक्स के बीच जो दूरियाँ हैं वो अब यहाँ पे बढ़ गई हैं, कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। अब अगर आप देखेंगे वजीरेक्स के सीईओ ये अभी तक कह रहे हैं हमारे पास जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, और अब क्या कुछ होगा आगे ये सब चीज़ें टाइम बताएंगी। लेकिन बाइनेंस सीईओ ने क्लियर कर दिया है कभी वो डील हुई नहीं कि वजीरेक्स को एक्वायर किया हो, ठीक है, वो डील कभी पूरी हुई नहीं है,
मतलब ये कहना है बाइनेंस सीजी का, तो कौन यहाँ पे सही प्रूव होगा, कौन गलत प्रूव होगा, ये टाइम में ही पता चलेगा, फ्यूचर में ही पता चलेगा, आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। अभी फिलहाल आपको अपना जो है टेंशन फ्री रहना है, आप अपने फंड्स को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और एक्सचेंज पे। अगर ये वॉल्यूम डाउन होता है तो वजीरेक्स पे जितने क्रिप्टो हैं आपके उसके अंदर भी जो है प्राइस नीचे जाते हुए दिखेंगे, ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं। तो यही कुछ चीज़ें, यही कुछ सिचुएशन चल रही है। आगे जो अपडेट रहेंगे हम टेलीग्राम पे शेयर करते रहेंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, सब अपडेट वहाँ पे आपको मिलती रहती हैं। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें जो हैं समझ गए होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होना चाहिए।